अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने दिल में भारत को बसा कर रखने वाले हर भारतीय ने ये किया है। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, आपका यह प्यार ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था, इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया है, अपनत्व पाया है। 2014 में मेडिसन स्क्वायर ।2015 में सॉन होसे ।2019 में ह्यूस्टन ।2023 में वॉशिंगटन और अब 2024 में न्यूयॉर्क। और आप लोग हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं।
आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सात समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी, और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है।